नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग रैपिड एक्स को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज यहाँ तीसरी कड़ी है, तीसरा पार्ट है। आज हम लोग चर्चा करेंगे लेसन 5, WH फैमिली, WH परिवार। WH फैमिली के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनमें W और H अक्षरों का प्रयोग होता है तथा जिन्हें प्रायः प्रश्न पूछने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु, हाउ, होम, व्हाई व व्हिच। इस चैप्टर में ये शब्द और इनके प्रयोग के साथ बने अधिकतर प्रयोग में आने वाले शब्द समूह दिए गए हैं, जिन्हें अच्छी तरह याद कर लीजिए ताकि आने वाले पाठों में आप इनका प्रयोग आसानी से समझ पाए। आप इन शब्दों और शब्द समूहों का उच्चारण ध्यान से सुनिए और समझें। एक बात और, जैसा कि पहले उदाहरण में दिया गया है, व्हाट का अर्थ है क्या, या जो आपके मन में एक बात आएगी, व्हाट का अर्थ है क्या। ये बात तो मुझे पता है, पर व्हाट का एक और अर्थ है जो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। तथ्य यह है कि जब व्हाट का प्रयोग किसी प्रश्नवाचक वाक्य में किया जाता है तो वहां पर व्हाट का अर्थ होता है क्या, और जब व्हाट का प्रयोग कंजक्शन की तरह होता है तो व्हाट का अर्थ होता है जो। अब आप सोचेंगे कंजक्शन क्या है, जब आप कंजक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। धैर्य रखिए, फिलहाल इन्हें अच्छी तरह याद कर लें। WH फैमिली वर्ड आर दोज व्हिच कंप्राइज द लेटर W एंड H एंड यूज प्राइमरली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दीज आर व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु, हाउ, होम, व्हाई एंड व्हिच। WH फैमिली वर्ड एंड रिलेटेड ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन इन दिस लेसन मस्ट बी लर्न बाय हर्ट। लिसन टू इट्स प्रोनाउंसिएशन टू। In the very first example, you can see two different meaning of what. One is kya and other one is jo. Fact is when, what is which. In interrogative sentence, it is a meaning is kya, but when, what is used as a conjunction, its meaning is jo. You will be taught about conjunction in detail a bit later. What, kya, jo, why, kyon, when, कब, जब, where, कहाँ, जहाँ, how, कैसे, who, कौन, जो, किसी व्यक्ति के लिए, which, कौन सा, किस चीज़ के लिए, whose, किसका, जिसका, whom, किसे, किससे, किसको, how many, कितने, जिन्हें गिना जा सकता है, how much, कितना, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, until when, कब तक, since when, कब से, फ्रॉम व्हेन, कब से, फ्रॉम हाउ लॉन्ग, कब से, विथ होम, किसके साथ, फॉर होम, किसके लिए, अबाउट होम, किसके बारे में, टूवर्ड्स होम, किसकी तरफ, बाय होम, किसके द्वारा, फ्रॉम वेयर, कहाँ से, जहाँ से, हार्ट, फार बट, किस लिए, जिस लिए, बट फार, किस लिए, जिस लिए, हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, हाउ फार, कितना दूर, हाउ गुड, कितना अच्छा, हाउ लॉन्ग, कितना लंबा, हाउ ओल्ड, कितना पुराना या कितना बड़ा उम्र में, हाउ सून, कितनी जल्दी, इन व्हाट वे, किस तरह से, एट बट वे, किस तरह से, व्हाट एल्स, और क्या, बट एवर, जो कुछ भी, वर्सो एवर, जो कुछ भी, बट देन, तो क्या, तब क्या, फिर क्या, बट टाइप ऑफ, किस तरह का, वेन एवर, जब भी, बैनेसो एवर, जब कभी, वैंस, कहाँ से, जहाँ से, वेयर इज, जबकि, वेयर इन, जिसमें, विच एवर, जो कुछ भी, विच सो एवर, जो कुछ भी, विच टाइप, किस तरह का, किस प्रकार, हु एवर, जो कुछ भी, हु सो एवर, जो कुछ भी, वाई सो, ऐसा क्यों, फ्रॉम विच ऑफिस, किस ऑफिस से, फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से, विद विच, वाय, किस लड़के के साथ, टूवर्ड्स विच सिटी, किस शहर की तरफ, फ्रॉम विच स्ट्रीट, किस गली से, फ्रॉम विच कंपनी, किस कंपनी के लिए, बाय विच गन, किस बंदूक से, इन विच ग्लास, किस ग्लास में, विद हु पीपल, किन लोगों के साथ, फार हुज सन,
किसके बेटे के साथ? विच ब्रदर ऑफ माइन, मेरा कौन सा भाई? विच सिस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी कौन सी बहन? हाउ मैनी ब्रदर, कितने भाई? हाउ मैनी हेयर्स, कितने बाल? हाउ मैनी स्टार्स, कितने तारे? हाउ मच मनी, कितना रुपया? हाउ मच वाटर, कितना पानी? हाउ मैनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग? हाउ मच शुगर, कितनी चीनी? बट काइंड ऑफ पीपल, किस तरह के लोग? हाउ कम, किस तरह, कैसे? एट वट टाइम, किस समय? वट काइंड ऑफ बुक, किस तरह की किताब? विच गर्ल ब्रदर, किस लड़की का भाई? विच स्कूल स्टूडेंट्स, किस स्कूल का विद्यार्थी? हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर, कितने किलोग्राम चीनी? हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ मिल्क, दूध के कितने गिलास? हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ माइन, मेरे कितने भाई? हाउ मैनी ब्रदर्स ऑफ योर्स, तुम्हारे कितने भाई? लाइक दैट। लेसन 6, पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द भेद। किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों को कोई न कोई नाम दिया जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि। शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए ही इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज टुगेदर इन ए स्पेसिफिक मैनर टू राइट आर स्पीक ए सेंटेंस। एवरी सिंगल वर्ड इन ए सेंटेंस इज गिवेन अ नेम, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ETC टू अंडरस्टैंड द सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स सो दैट द सेंटेंस डिलीवर्स द करेक्ट मैसेज। दीज वर्ड आर कैटेगराइज्ड इन 8 कैटेगरीज विच आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच विद देयर वन लाइनर डेफिनेशन आर नाउन, संज्ञा, किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन सर्वनाम, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। वर्ब क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। एडजेक्टिव विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की संज्ञा विशेषण की या किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में जो कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय या पूर्वसर्ग। प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। कंजक्शन, यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, इससे वाक्य छोटा हो जाता है बिना अर्थ बदले। इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द व शब्दों के समूह। आप इनके बारे में आने वाले पाठों में विस्तार से समझने वाले हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। कहीं कहीं आर्टिकल ए, एन और द को भी अलग शब्द भेद माना जाता है, लेकिन अधिकांशतः ये एडजेक्टिव विशेषण ही कहे जाते हैं, क्योंकि ये किसी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना नहीं देते। जैसे ए पेन, यहाँ पर पेन एक संज्ञा है और ए का प्रयोग करने से पता चलता है कि पेन कितने, अर्थात ए का अर्थ करने से पेन के बारे में अतिरिक्त सूचना मिलती है। यह बात आप बेहतर समझ पाएंगे जब आप अपने आने वाले चैप्टरों में सभी शब्दों भेदों को अच्छी तरह समझ लेंगे। जनरली आर्टिकल आर नॉट कंसिडर्ड अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच, रेदर क्लासिफाइड एज ए एडजेक्टिव बिकॉज दे मॉडिफाइड नाउन बाई मैंशनिंग देयर क्वान्टिटी, i.e. एज ए नंबर अ पेन मीन्स वन पेन। जब हम किसी संज्ञा की मात्रा के बारे में बताएं, जैसे एक आदमी, दो पेन, तीन लोग, 50 कबूतर आदि, तो इस तरह से संज्ञा की मात्रा के बारे में बताने वाली ये संख्याएं डिटर्मिनर्स निर्धारक कहलाती हैं। यह डिटर्मिनर्स निर्धारक भी एडजेक्टिव विशेषण ही माने जाते हैं, क्योंकि इनके कारण किसी संज्ञा के बारे में अतिरिक्त सूचना मिलती है। यह कॉन्सेप्ट भी आप आगे आने वाले डिटर्मिनर्स निर्धारक चैप्टर में पढ़ेंगे। डिटर्मिनर्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव बिकॉज दे मॉडिफाइड अ नाउन। लेसन 7, नाउन, संज्ञा। हम बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। ये परिभाषा गलत नहीं है, पर थोड़ा अधिक जानने की जरूरत है। अगर ये परिभाषा सही मान ली जाए तो फिर तो किसी जानवर का नाम, जैसे किसी कुत्ते का नाम, तभी भी संज्ञा नहीं है,
पर ऐसा बिल्कुल है। नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो या फिर किसी जानवर का, उसे संज्ञा ही माना जाता है। एक बात और, एक शब्द है प्यार, यह एक भाववाचक संज्ञा है। हमारा प्रश्न यह है कि ये तो किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु का नाम नहीं, फिर इसे संज्ञा क्यों मानते हैं? ये सब बातें आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद व ऑडियो लेक्चर सुनने के बाद समझ में आएगा। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। सिंस चाइल्डहुड वी हैव बीन टॉट दैट अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। दिस डेफिनेशन इज नॉट इनकरेक्ट, बट वी नीड टू नो अ लिटिल मोर इवन इफ फॉर एन इंस्टेंस वी एज्यूम दिस डेफिनेशन इज करेक्ट, देन व्हाई इज द नेम ऑफ अ डॉग और एनी एनिमल फॉर दैट मैटर कंसिडर्ड अ नाउन। द फैक्ट इज नेम ऑफ एनी क्रिएचर इज ए नाउन, बी इट अ ह्यूमन आर एन एनिमल। सिमिलरली लव इज एन एग्जाम्पल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट्स नॉट अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस आर थिंग्स, देन व्हाई डू वी टेक इट एज ए नाउन। देयर आर लॉट मैनी एग्जाम्पल एज सच, लेट्स अंडरस्टैंड। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम होता है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स। राम किसी प्राणी का नाम है, नेम ऑफ ए क्रिएचर। टफी किसी प्राणी का नाम है, नेम ऑफ ए क्रिएचर। देहरादून किसी जगह का नाम है, नेम ऑफ ए प्लेस। पार्कर पेन किसी वस्तु का नाम है, नेम ऑफ ए थिंग्स। उषा फैन किसी वस्तु का नाम है। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति के बारे में बताता है। कॉमन नाउन डेनोट द क्लास ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स। चलिए समझे। माना आपके सामने दो मोबाइल रखे हुए हैं, एक है नोकिया मोबाइल और दूसरा है सैमसंग मोबाइल। दोनों में क्या समानता है? दोनों मोबाइल, इसलिए एक कॉमन नाउन है। इन दोनों की जाति मोबाइल है। सपोज देयर आर टू मोबाइल, वन इज नोकिया एंड अनदर इज सैमसंग, व्हाट इज कॉमन इन बोथ? दे बोथ आर मोबाइल, सो मोबाइल इज ए कॉमन नाउन। माना आपके सामने दो लड़के खड़े हैं, एक है राम और दूसरा है राजू। दोनों में क्या समानता है? दोनों लड़के हैं, इसलिए लड़का एक कॉमन नाउन है। इन दोनों की जाति लड़का है। सपोज देयर आर टू बॉयज, राम एंड राजू, व्हाट इज कॉमन इन बोथ? दे बोथ आर बॉयज, सो बॉय इज ए कॉमन नाउन। माना आपके सामने तीन फैन रखे हुए, एक है उषा फैन, दूसरा है खेतान फैन, तीसरा है हाइवेल्स फैन। तीनों में क्या समानता है? तीनों फैन है, इसलिए फैन एक कॉमन नाउन है। इन तीनों की जाति फैन है। देयर आर थ्री फैंस, ऑन इज उषा, सेकेंड वन इज खेतान एंड द थर्ड वन हाइवेल्स। व्हाट इज ए कॉमन इन देम? दे ऑल आर फैंस, सो फैन इज अ कॉमन नाउन। तीन राज्य हैं, एक है दिल्ली, दूसरा है हरियाणा और तीसरा बिहार। तीनों में क्या समानता? तीनों राज्य हैं, इसलिए राज्य एक कॉमन नाउन है। इन तीनों की जाति राज्य है। लेट्स थिंक अबाउट थ्री स्टेट, दिल्ली, हरियाणा एंड बिहार। व्हाट इज ए कॉमन इन दिस? दीज आर ऑल आर स्टेट्स, सो स्टेट्स इज ए कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन समूह, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा प्राणियों के, जगहों के या वस्तुओं के समूहों को दर्शाता है। कलेक्टिव नाउन डिनोट्स द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स। पीपल लोग, कई लोगों का समूह। ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स क्राउड, भीड़, कई लोगों का समूह। ग्रुप ऑफ पर्सन्स बैच, कई विद्यार्थियों का समूह। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टीम, कई खिलाड़ियों का समूह। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स बंच, गुच्छा, अंगूर का। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स फैमिली, परिवार। ग्रुप ऑफ मेंबर फॉर अदर एग्जाम्पल आर आर्मी, क्लास, कमेटी, काउंसिल, डिपार्टमेंट, सोसाइटी, मेजोरिटी, मिनोरिटी, ऑडियंस, जूरी, कंपनी, कॉरपोरेशन, ETC। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा किसी भी पदार्थ का नाम होता है। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए मटेरियल, सोना, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, तांबा, कॉपर, ग्लास, लकड़ी, वर्ड, पत्थर, स्टोन, ETC। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट वी कॉन्ट टच आर सी, वी कैन ओनली फील इट। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन कॉन्ट फिजिकली इंटरेक्ट सच थिंग्स, वी कॉन्ट सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट दीज नाउन्स। ईमानदारी, होनेस्टी, प्यार, लव, चोरी, थेफ्ट, घृणा, हेट, वक्त, टाइम, सोच, थिंकिंग, भावनाएं, फीलिंग्स, गणित, मैथमेटिक्स, उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस, ETC।
आपके मन में शायद एक सवाल आए कि लव तो एक क्रिया है, फिर अभावाचक संज्ञा कैसे है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया या संज्ञा दोनों की तरह प्रयोग किए जाते हैं। लव के दो मतलब हैं, एक है प्यार और दूसरा है प्यार करना। पहला वाला अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो दूसरा वाला क्रिया है, क्योंकि दूसरे वाले में करना का प्रयोग किया जाता है जिससे ये पता लगता है कि किसी काम को करने की बात हो रही है। प्यार करना एक काम यानी क्रिया है। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट लव इज ए वर्ब, देन हाउ कम इट एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट मी टेल यू दीज आर फ्यू वर्ड्स विच कैन फंक्शन एज ए नाउन इन सम केस एंड वर्ब इन अदर केस। लव इज वन ऑफ देम। लव इज ए लाइफ, प्यार जिंदगी है। यहाँ पर लव एक भाववाचक संज्ञा है, लव एज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, यहाँ लव पर एक क्रिया है, लव एज ए वर्ब। महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम। नीचे दिए गए उदाहरणों से समझिए, इन ए सेंटेंस सब्जेक्ट इज आइदर अ नाउन आर ए प्रोनाउन। सफलता बहुत जरूरी है, सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सब्जेक्ट है सक्सेस, ये कोई सर्वनाम तो है ही नहीं, है नहीं, इसलिए संज्ञा ही हो सकती। अब मुद्दा ये है कि ये कौन सा संज्ञा है। ए न किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम है, न कोई जाति है, न कोई समूह है, न ही कोई पदार्थ है, तो फिर क्या बचा। अरे हाँ, सक्सेस को न छू सकते हैं न देख सकते हैं, बिल्कुल साफ है कि ए भाववाचक संज्ञा है। इन अ बॉय एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज सक्सेस। एज पर द रूल सब्जेक्ट कैन आइदर बी अ नाउन आर प्रोनाउन। सिंस इट्स नॉट ए प्रोनाउन, इट इज ए नाउन, देन द नाउ द क्वेश्चन इज विच नाउन इट इज। इट इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इट्स नाइदर ए क्लास, नाइदर ए ग्रुप, नॉर ए मटेरियल, देन व्हाट इट इज। ओह यस, सक्सेस कांट बी टच्ड आर सीन, इट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। राम मेरा दोस्त है, राम इज माई फ्रेंड। यहाँ पर सब्जेक्ट है राम, ये कोई सर्वनाम तो है नहीं, इसलिए संज्ञा ही हो सकती है। अब मुद्दा ये है कि ये कौन सी संज्ञा है। ये एक व्यक्ति का नाम, इसलिए ए एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इन ए वॉ एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज राम। एज पर द रूल सब्जेक्ट कैन आइदर बी अ नाउन आर ए प्रोनाउन। सिंस इट इज ए प्रोनाउन, इट इज ए नाउन, देन नाउ द क्वेश्चन इज विच नाउन इट इज। इट इज ए नेम ऑफ पर्सन, सो इट इज ए प्रॉपर नाउन। वो मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, ए सर्वनाम है। इन ए वॉ एग्जाम्पल सब्जेक्ट इज ही। एज पर द रूल सब्जेक्ट कैन आइदर बी अ नाउन आर ए प्रोनाउन। इट्स अ प्रोनाउन। ईमानदारी मेरे खून में है, होनेस्टी इज इन माई ब्लड। सब्जेक्ट है होनेस्टी, पहले उदाहरण की तरह होनेस्टी को न छू सकते हैं न देख सकते हैं। ए एक भाववाचक संज्ञा, सब्जेक्ट इज होनेस्टी, जस्ट लाइक द फर्स्ट एग्जाम्पल। इट कॉन्ट बी एक्सपीरियंस्ड बाई एनी वन आवर फाइव सेंस, इट इज ए क्लियर, इट्स एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पढ़ना अच्छी आदत है, रीडिंग इज अ गुड हैबिट। सब्जेक्ट है रीडिंग। आइए सोचें कि यह सब्जेक्ट संज्ञा है या फिर सर्वनाम है। ये न ही सर्वनाम है और न ही ऊपर दी गई कोई संज्ञा है। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि रीड का मतलब तो होता है पढ़ना, ये तो क्रिया है, लेकिन ध्यान दीजिए कि रीड के साथ आईएनजी लगाकर इसे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया गया है। हमने आपको बताया कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट या तो संज्ञा होगी या फिर सर्वनाम। तर्क यह है कि अगर किसी क्रिया के आगे आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उस शब्द को जेरेंडर यानी क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि इस चैप्टर में आपका अगला टॉपिक है। सब्जेक्ट इज रीडिंग, इट इज नाइदर ए प्रोनाउन नॉर ए नाउन। दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, यू माइट बी गेटिंग लिटिल कंफ्यूज्ड बिकॉज रीड इज ए वर्ब, बट यू मस्ट नोटिस दैट रीड इज अटैच्ड विद आईएनजी एंड यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। वी हैड टोल्ड यू दैट द सब्जेक्ट कैन आइदर बी अ नाउन आर ए प्रोनाउन, इट कॉन्ट बी अ वर्ब। द फैक्ट इज इफ अ वर्ब इज एडेड विद आईएनजी एंड यूज्ड एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, दैट वर्ब इज ए कॉल्ड ग्रैंडर। इट्स योर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, जेरंड क्रियावाचक संज्ञा। अगर किसी क्रिया के आगे आईएनजी लगाकर उसे संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाए तो उसे जेरंड यानी क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। इफ अ वर्ब इज एडेड विद आईएनजी एंड यूज्ड एज ए नाउन
इन ए सेंटेंस दैट वर्ब इज कॉल्ड जेरंड. वर्ब क्रिया. वर्ब इज यूज एज ए नाउन. क्रियावाचक संज्ञा यानी जेरंड. आई लव यू. लविंग यू इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ. आई थिंक अबाउट देम. थिंकिंग सो मच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. आई रीड बुक्स. रीडिंग इज ए गुड हैबिट. आई रन 5 किलोमीटर अ डे. रनिंग डेली इज ए गुड फॉर हेल्थ. राहुल स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. नाउन्स टू टाइप इन अनदर क्लासिफिकेशन. काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सकता है दैट कैन बी काउंटेड. गणनीय संज्ञा. एग्जाम्पल पेन बॉय बुक हेयर स्टार गर्ल मैन काउ सिटी पेपर etc. अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा जिन्हें गिना नहीं जा सकता दैट कॉन्ट बी काउंटेड. मिल्क सुगर हॉनेस्टी दिल्ली मनी लव हैट etc. आप सोच रहे होंगे कि हेयर और स्टार तो अनगिनत होते हैं फिर इन्हें काउंटेबल नाउन क्यों कहा गया. देखिए अनगिनत इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत अधिक होते हैं. गिनना मुश्किल है पर असंभव तो नहीं है ना. गिन तो सकते ही हैं. दूसरी बात हमने मनी को अनकाउंटेबल नाउन कहा है जबकि पैसे को हम गिन सकते हैं. पर ध्यान दीजिए कि अंग्रेजी के इस शब्द मनी को हम एक मनी दो मनी तीन मनी आज नहीं कह सकते इसलिए इसे अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है. यू मस्ट बी थिंकिंग दैट हेयर एंड स्टार आर नॉट पॉसिबल टू काउंट. इन फैक्ट काउंटिंग देम इज डिफिकल्ट बिकॉज दे आर ह्यूज इन नंबर बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू काउंट देम. वी कैन काउंट देम लाइक 1 star, 2 star, 3 star, 1 hair, 2 hair, 3 hair, etc. That's why they are called countable nouns. Secondly, money is an English word which is considered to be an uncountable noun because we can't say I have 1 money, 2 money, 3 money, etc. So can't count in it in number. The noun gender ling, masculine gender, pulling, feminine gender, स्त्रीलिंग, नेक्टरजिंग. नेक्टर जेंडर नपुंसकलिंग. इट डोनेट अ मेल. यह पुरुष जाति का बोध कराता है. स्त्रीलिंग. इट डोनेट अ फीमेल. यह स्त्री जाति का बोध कराता है. नपुंसकलिंग. इट डोनेट नाइदर मेल नॉर फीमेल बट नॉन लिविंग. न पुरुष जाति न स्त्री जाति बल्कि यह निर्जीव चीजों का बोध कराता है. एग्जाम्पल बॉय अंकल ब्रदर जेंट्स एक्टर etc. पुलिंग अर्थात यह मैस्कुलिन जेंडर है. एग्जाम्पल ओमेन गर्ल आंट सिस्टर लेडीज एक्ट्रेस कैट काउ. इट इज स्त्रीलिंग फेमिन जेंडर. एग्जाम्पल पेन बुक मोबाइल लैपटॉप चेयर नेक्टर जेंडर. द नाउन नंबर वचन. सिंगुलर एक वचन प्लूरल बहुवचन. जब संज्ञा किसी एक प्राणी जगह या वस्तु का बोध कराए इट डोनेट वन क्रिएचर प्लेस और थिंग्स दैट इज ए सिंगुलर प्लूरल. जब संज्ञा एक से अधिक प्राणियों जगहों या वस्तुओं का बोध कराए इट डोनेट मोर देन वन क्रिएचर प्लेस और थिंग्स. राइट चूहा माउस चूहिया टूथ दांत एक दांत मैन एक आदमी ओमैन एक औरत गर्ल एक लड़की रैट्स एक से ज्यादा चूहे माइक एक से ज्यादा चूहिया टीथ एक से ज्यादा दांत मैन एक से ज्यादा आदमी ओमैन एक से ज्यादा औरतें गर्ल्स एक से ज्यादा लड़कियां. द नाउन ऑलवेज एंडिंग विथ यस. कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिनके अंत में हमेशा यस लगता है पर ये बहुवचन नहीं होते. देयर आर अ फ्यू नाउन्स व्हिच ऑलवेज एंड विथ यस बट दे आर ऑलवेज प्लूरल. सीजर्स कैंची ट्राउजर्स पैंट बायनोकुलर्स दूरबीन स्पेक्टल्स चश्मा मैथमेटिक्स गणित न्यूज समाचार. लेसन 8 प्रोनाउन सर्वनाम. सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है. प्रोनाउन इज यूजली अ सब्स्टिट्यूट फॉर ए नाउन. नीचे दिए गए उदाहरण दो उदाहरणों की मदद से समझने का प्रयत्न करिए. राम अच्छा लड़का है. राम मेरा दोस्त है. राम के पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं. राम इज ए गुड बॉय. राम इज माई फ्रेंड. राम्स फादर वर्क विथ माई फादर. राम अच्छा लड़का है. वो मेरा दोस्त है. उसके पापा मेरे पापा के साथ काम करते हैं. राम इज ए गुड बॉय. ही इज माई फ्रेंड. हिज फादर वर्क विथ माई फादर. बार बार राम कहने के बजाय दूसरे उदाहरण ओ व उसके का प्रयोग किया गया.
जिससे वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं है बल्कि वाक्य ज्यादा बेहतर हो गया। क्योंकि राम एक संज्ञा, इसलिए वाक्य में राम की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ओ व उसके सर्वनाम है। ही एंड हिज आर बीइंग यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ राम इन एग्जाम्पल नंबर टू, व्हिच डजंट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। दिस सच वर्ड रिप्लेसिंग नाउन ही एंड हिज आर कॉल्ड प्रोनाउन। टाइप्स, नीचे दी गई तालिका पर गौर कीजिए। लुक एट द टेबल। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्रोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह सब्जेक्ट में प्रयोग किया जाता है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। पैसेसिव प्रोनाउन, इस तरह के प्रोनाउन का प्रयोग ये बताने के लिए किया जाता है ये किसका है, मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका या फिर किसी और का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इस प्रोनाउन का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट खुद के बारे में बताता है। लाइक दैट यू कैन सी दिस एग्जाम्पल। आई, मैं, मी, मुझे या मेरे, माई, मेरा, माइन, मेरा, माई सेल्फ, मैं, खुद, ही, वह, ओ, एक पुरुष, हिम, उसे, उसको, उनको, एक पुरुष को, हिज, उसका, एक पुरुष का, हिज, उसका, एक पुरुष का, हिमसेल्फ, ओ, खुद, एक पुरुष, सी, वह, ओ, एक स्त्री, हर, उसे, उसको, उनको, एक स्त्री को, हर, उसका, एक स्त्री को, हर्ष, उसका, एक स्त्री का, हर सेल्फ, ओ, खुद, एक स्त्री, यू, तुम, आप, एक व्यक्ति हो सकते हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हो। यू, तुम्हें, तुम्हारे, आपको, आपके, तुम, आपके, आप एक हो सकते हो या एक से ज़्यादा हो सकते हो। योर, तुम्हारा, आपका, तुम, आप एक हो सकते हो या एक से ज़्यादा हो सकते हो। योर्स, तुम्हारा, आपका, तुम, आप एक हो सकते हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हो। योर सेल्फ, योर सेल्फ, तुम, आप, खुद, तुम, आप एक व्यक्ति हो सकते हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हो। दे, वे, ओ, एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए। देम, उनको, एक से ज़्यादा व्यक्तियों को। देयर, उनका, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। देयर, उनका, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। थेमसेल्वेस, ओ, खुद, वे, एक से ज़्यादा व्यक्ति। बी, हम, एक से ज़्यादा व्यक्ति। अस, हमारे, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के। आवर, हमारा, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। आवर्स, हमारा, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का। आवर सेल्वेस, हम, खुद, एक से ज़्यादा व्यक्ति। डिफरेंट बिटवीन पोसेसिव केसेस। माई, माइन, मेरा। आवर, आवर्स, हमारा। हर, हर्ष, उसका, एक स्त्री का। योर, योर्स, तुम्हारा। हिज, उसका, एक पुरुष का। देयर, देयर्स, उनका, एक से ज़्यादा लोगों का। माई और माइन, दोनों का मतलब मेरा है, पर अगर वाक्य में मेरा अकेले आए तो माइन का प्रयोग करते हैं, और अगर मेरा के साथ कुछ और जुड़ा हुआ हो जैसे मेरा भाई, मेरा दोस्त आए तो मेरा के लिए माई का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह योर और योर्स दोनों का मतलब तुम्हारा, पर अगर वाक्य में तुम्हारा अकेले आए तो योर्स का प्रयोग करते हैं, और अगर तुम्हारे के साथ कुछ और जुड़ा है जैसे तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त आदि, तुम्हारे, तुम्हारा के लिए योर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, तुम मेरे बड़े भाई हो या तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर। यहाँ पर मेरे के साथ भाई लगा हुआ इसलिए माई का प्रयोग किया गया है। तुम मेरे हो। यू आर माइन। यहाँ पर मेरे के साथ कुछ नहीं लगा है इसलिए माइन का प्रयोग किया गया है। यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। यहाँ पर मेरी के साथ किताब है इसलिए माई का प्रयोग किया गया है। यह किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन। यहाँ पर मेरी के साथ कुछ नहीं लगा है। किताब तो सब्जेक्ट का हिस्सा है। सब्जेक्ट प्रोनाउन एग्जाम्पल, वो पागल है। ही इज मैड। हम देहरादून में थे। बी वेयर इन देहरादून। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एग्जाम्पल, राम मेरे साथ था। राम वाज विथ मी। पापा ने मुझे डांटा। डैड इज कॉल्ड मी। बच्चा तुम्हें देख रहा है। बेबी इज वॉचिंग यू। पापा ने उनके लिए बहुत कुछ किया। पापा डिड अ लॉट फॉर देम। पोसेसिव प्रोनाउन एग्जाम्पल, राम मेरा सबसे बड़ा, सबसे छोटा बेटा है। राम इज माई यंगेस्ट सन। दिल तुम्हारा है, मेरा नहीं। हर्ट इज योर, नॉट माइन। मेरा दिल रो रहा था। माई हर्ट वॉज क्राइंग। भाई उसका है, राम का नहीं। ब्रदर इज हिज, हर्ट्स नॉट राम्स। तुम मेरे नहीं थे। यू वेयर नॉट माइन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जाम्पल, मैं ये खुद करूँगा। आई विल डू इट माई सेल्फ। वो वहाँ अपने आप जाएगा। ही विल गो देयर हिमसेल्फ। ए, आप खुद करिए। डू इट योर सेल्फ। लेसन 9, एडजेक्टिव विशेषण।
विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह उपवाक्य होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या फिर उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। ये भी कह सकते हैं कि विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करते हैं। एडजेक्टिव आर द वर्ड आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शो द क्वालिटी ऑफ नाउन। प्रोनाउन आर प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। इन अदर वर्ड्स एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन आर प्रोनाउन। उदाहरण के लिए आइए कुछ उदाहरण देखें। लेट्स सी सम एग्जांपल। राम इज ए ब्रेव। राम बहादुर है। बहादुर होना राम की विशेषता, चूंकि राम एक संज्ञा इसलिए ब्रेव एक विशेषण है। टू बी ब्रेव इज ए क्वालिटी इज द क्वालिटी ऑफ राम। सिंस राम इज ए नाउन हेंस ब्रेव इज एन एडजेक्टिव। ही वाज ब्रेव वह बहादुर है। बहादुर होना उसकी यानी ही की विशेषता है, चूंकि वह यानी ही एक सर्वनाम है इसलिए ब्रेव एक विशेषण है। टू बी ब्रेव इज द क्वालिटी ऑफ ही। सिंस He is pronoun, hence brave is an adjective. I have some much water. मेरे पास थोड़ा बहुत पानी है। पानी एक संज्ञा है। इसके साथ थोड़ा या ज्यादा लगाने से पानी की मात्रा के बारे में पता चल रहा है, यानी यह शब्द पानी के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहा है, इसलिए some much एक विशेषण है। Here we have used some much with water. It gives an idea about the amount of water. So using some or much gives some additional information about water. Water is a noun, so some much is an adjective. Aman is my brother who plays with you. Aman mera bhai hai jo tumhare sath khelta hai. Is vakya mein jaise hi kaha gaya ki jo tumhare sath khelta hai, isse Aman ke bare mein kuch atirikt baat pata lagti hai ki wo tumhare sath khelta hai. Kyunki Aman ek vyakti ka naam yani sangya hai, isliye sangya ke bare mein kuch atirikt suchna dene wala hai. Yahan vakya जो तुम्हारे साथ खेलता है एक विशेषण उपवाक्य है। इन दिस सेंटेंस व्हेन सेड हु प्लेज विथ यू इट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अमन दैट ही प्लेज विथ यू। सिंस अमन इज द नेम ऑफ ए पर्सन मींस अ नाउन हैंस द क्लॉज हु प्लेज विथ यू व्हिच प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। ही इज राम हु इज ओल्डर देन आई। वो राम है जो मुझसे बड़ा है। जब हम ये कहते हैं कि जो मुझसे बड़ा है तो हमें राम के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता लगती, इसलिए यह वाक्य जो मुझसे बड़ा है एक विशेषण उपवाक्य है। When we say who is older than I, it gives us some additional information about Ram. Who is a noun, hence this clause who is older than I is an adjective clause. प्राय विशेषण की तीन डिग्री होती है। जनरली There are three degree of adjective, positive, comparative, superlative. Use of er, est, positive, like that you can see that example. Positive, tall, कद में लंबा है, taller, ज्यादा लंबा है, tallest, सबसे ज्यादा लंबा है. Short, कद में छोटा है, shorter, ज्यादा छोटा है, shortest, सबसे ज्यादा छोटा है. Big, बड़ा, bigger, ज्यादा बड़ा, biggest, सबसे ज्यादा बड़ा. Small, छोटा, smaller, ज्यादा छोटा, smallest, सबसे ज्यादा छोटा. ग्रेट महान, ग्रेटर ज्यादा महान, ग्रेटेस्ट सबसे ज्यादा महान. लेंथी लंबा, लेंथियर ज्यादा लंबा, लेंथियर सबसे ज्यादा लंबा. लॉन्ग लंबा, लॉन्गर ज्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा लंबा. वाइड चौड़ा, वाइडर ज्यादा चौड़ा, वाइडेस्ट सबसे ज्यादा चौड़ा. हाई ऊंचा, हायर ज्यादा ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ज्यादा ऊंचा. डीप गहरा, डीपर ज्यादा गहरा, डीपेस्ट सबसे ज्यादा गहरा. ब्लैक काला, ब्लैकर ज्यादा काला, ब्लैकेस्ट सबसे ज्यादा काला. व्हाइट सफेद, व्हाइटर ज्यादा सफेद, व्हाइटेस्ट सबसे ज्यादा सफेद. बिटर कड़वा, बिटरर ज्यादा कड़वा, बिटरेस्ट सबसे ज्यादा कड़वा. स्वीट मीठा, स्वीटर ज्यादा मीठा, स्वीटेस्ट सबसे ज्यादा मीठा. स्वर खट्टा, स्वरर ज्यादा खट्टा, स्वरेस्ट सबसे ज्यादा खट्टा. क्लीन साफ, क्लीनर ज्यादा साफ, क्लीनेस्ट सबसे ज्यादा साफ. डर्टी गंदा, डर्टियर ज्यादा गंदा, डर्टीएस्ट सबसे ज्यादा गंदा. कोल्ड ठंडा, कोल्डर ज्यादा ठंडा, कोल्डेस्ट सबसे ज्यादा ठंडा. हॉट गर्म, हॉटर ज्यादा गर्म, हॉटेस्ट सबसे ज्यादा गर्म. फास्ट तेज, फास्टर ज्यादा तेज, फास्टेस्ट सबसे ज्यादा तेज. स्लो हल्का, स्लोअर ज्यादा हल्का, स्लोएस्ट सबसे ज्यादा हल्का. हार्ड कठोर, हार्डर ज्यादा कठोर, हार्डेस्ट सबसे ज्यादा कठोर. टफ कठोर, टफर ज्यादा कठोर, टफेस्ट सबसे ज्यादा कठोर.
सॉफ्ट मुलायम कोमल, सॉफ्टर ज्यादा मुलायम कोमल, सॉफ्टेस्ट सबसे ज्यादा मुलायम, रिच अमीर रिचर ज्यादा अमीर, रिचेस्ट सबसे ज्यादा अमीर, पुअर गरीब पुअर ज्यादा गरीब, पुअरेस्ट सबसे ज्यादा गरीब, स्ट्रांग मजबूत स्ट्रांगर ज्यादा स्ट्रांगेस्ट सबसे ज्यादा मजबूत, हैवी भारी हैवियर ज्यादा भारी, हैवीएस्ट सबसे ज्यादा भारी, लाइट हल्का लाइटर ज्यादा हल्का, लाइटेस्ट सबसे ज्यादा हल्का, यंग उम्र में छोटा जवान, यंगरर उम्र में ज्यादा छोटा, यंगेस्ट उम्र में सबसे छोटा, ओल्ड उम्र में बड़ा पुराना, ओल्डर एल्डर ज्यादा बड़ा पुराना, ओल्डेस्ट एल्डेस्ट सबसे बड़ा पुराना, ब्राइट चमकीला ब्राइटर ज्यादा चमकीला, ब्राइटेस्ट सबसे ज्यादा चमकीला, क्लेवर चालाक क्लेवरर ज्यादा चालाक, क्लेवरेस्ट सबसे ज्यादा चालाक, डियर प्यारा डियर ज्यादा प्यारा, डियरेस्ट सबसे ज्यादा प्यारा, लाउड ऊंची आवाज लाउडर ज्यादा ऊंची आवाज, लाउडेस्ट सबसे ऊंची आवाज, नियर करीब नियरर ज्यादा करीब, नियरेस्ट सबसे ज्यादा करीब, सुन जल्दी सुनर ज्यादा जल्दी, सुनेस्ट सबसे ज्यादा जल्दी, वाइज बुद्धिमान वाइजर ज्यादा बुद्धिमान, वाइजेस्ट सबसे ज्यादा बुद्धिमान, प्योर पवित्र साफ प्योरर ज्यादा पवित्र साफ, प्योरेस्ट सबसे ज्यादा पवित्र साफ, ब्रेव बहादुर ब्रेवरर ज्यादा बहादुर, ब्रेवेस्ट सबसे ज्यादा बहादुर, यूज ऑफ मोर मोस्ट एक्टिव तेज तर्रार, मोर एक्टिव ज्यादा तेज तर्रार, मोस्ट एक्टिव सबसे ज्यादा तेज तर्रार, ब्यूटीफुल सुंदर मोर ब्यूटीफुल ज्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा सुंदर, केयरफुल सावधान मोस्ट केयरफुल ज्यादा सावधान, मोस्ट केयरफुल सबसे ज्यादा सावधान, चेयरफुल खुश मोर चेयरफुल ज्यादा खुश, मोस्ट चेयरफुल सबसे ज्यादा खुश, डेंजरस खतरनाक मोर डेंजरस ज्यादा खतरनाक, मोस्ट डेंजरस सबसे ज्यादा खतरनाक, डिफिकल्ट मुश्किल मोर डिफिकल्ट ज्यादा मुश्किल, मोस्ट डिफिकल्ट सबसे ज्यादा मुश्किल, डिलीजेंट मेहनती मोर डिलीजेंट ज्यादा मेहनती, मोस्ट डिलीजेंट सबसे ज्यादा मेहनती, फेमस प्रसिद्ध मोर फेमस ज्यादा प्रसिद्ध, मोस्ट फेमस सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, फुलिश मूर्ख मोर फुलिश ज्यादा मूर्ख, मोस्ट फुलिश सबसे ज्यादा मूर्ख, हार्मफुल हानिकारक मोर हार्मफुल ज्यादा हानिकारक, मोस्ट हार्मफुल सबसे ज्यादा हानिकारक, होनेस्ट ईमानदार मोर होनेस्ट ज्यादा ईमानदार, मोस्ट होनेस्ट सबसे ज्यादा ईमानदार, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण मोर इम्पॉर्टेंट ज्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इंडस्ट्रियस मेहनती मोर इंडस्ट्रियस ज्यादा मेहनती, मोस्ट इंडस्ट्रियस सबसे ज्यादा मेहनती, इंटेलिजेंट बुद्धिमान मोर इंटेलिजेंट ज्यादा बुद्धिमान, मोस्ट इंटेलिजेंट सबसे ज्यादा बुद्धिमान, इंटरेस्टिंग रोचक मोर इंटरेस्टिंग ज्यादा रोचक, मोर इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा रोचक, पॉपुलर प्रसिद्ध मोर पॉपुलर ज्यादा प्रसिद्ध, मोस्ट पॉपुलर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, पावरफुल शक्तिशाली मोर पावरफुल ज्यादा शक्तिशाली, मोस्ट पावरफुल सबसे ज्यादा शक्तिशाली, पेटेंट धैर्यवान मोर पेटेंट ज्यादा धैर्यवान, मोस्ट पेटेंट सबसे ज्यादा धैर्यवान, अर्जेंट जरूरी मोर अर्जेंट ज्यादा जरूरी, मोस्ट अर्जेंट सबसे ज्यादा जरूरी, यूजफुल उपयोगी मोर यूजफुल ज्यादा उपयोगी, मोस्ट यूजफुल सबसे ज्यादा उपयोगी, इसी प्रकार से सब्जेक्ट एडजेक्टिव्स हैव देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री इन एंड इरेगुलर पैटर्न, गुड वेल अच्छा ठीक बेटर बेहतर, बेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा, बैड इल बुरा रोज ज्यादा बुरा, रोस्ट सबसे ज्यादा बुरा, मच मैनी ज्यादा कई मोर और ज्यादा, मोस्ट सबसे ज्यादा, लिटिल थोड़ा कम लेस लेजर और थोड़ा लिस्ट सबसे ज्यादा कम। नीचे दिए गए वाक्यों विश्लेषण विशेषण शब्दों या विशेषण उपवाक्यों को गहरे काले अक्षरों में लिखा हुआ है। फॉलोइंग आर द सेंटेंस वेयर एडजेक्टिव्स आर रिटेन इन बोल्ड लेटर। इट इज ए ब्राइट डे, देहरादून इज ए ह्यूज सिटी, सी इज ए वेरी नाइस गर्ल, दे आर क्यूट, दे बोथ आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, I am taller than you. Lesson 10, verb क्रियाएं। मान लीजिए आप बिस्तर पर लेटे हुए किसी को याद कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं कोई काम तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बिस्तर पर लेटा हूँ। यूं तो किसी को याद करते समय आपके हाथ पैर स्थिर हो सकते हैं, लेकिन दिमाग तो चल रहा है ना? इसलिए याद करना भी एक क्रिया है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मिस। मिस मतलब याद करना। इसलिए ये मत सोचिए कि क्रिया का मतलब सिर्फ वो काम है जिसमें आपके हाथ पैर प्रयोग में लाए जा रहे हों। सही मायने में क्रिया का अर्थ है कोई भी काम, फिर चाहे वो केवल दिमाग से ही क्यों न किया जा रहा हो।
Suppose you are laying on the bed and missing someone, you might think of doing no physical work, but still you must remember that your brain is functioning. Hence, such a work miss, even if being performed by your brain, is also considered as a verb. क्रिया है, क्रिया वो है जिसके माध्यम सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है. Verb is the one which describes the action or the state of the subject. आइए समझें, let's understand. माना मैं कहूँ आयांश सो रहा है. इस वाक्य में है सब्जेक्ट है आयांश और वर्ब है सोना. इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी मिलती है. यहाँ पर सब्जेक्ट सोने का कार्य कर रहा है. इसी तरह मान लीजिए मैं कहूँ आयांश 8 महीने का है. सब्जेक्ट है आयांश. यहाँ पर आयांश कोई कार्य नहीं कर रहा, बल्कि उसके बारे में तो सिर्फ बताया गया है कि वह 8 महीने का. इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि अवस्था की जानकारी मिलती है. अवस्था का सीधा तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट किस समय में, वर्तमान में, बीते हुए कल में या फिर आने वाले कल में किस अवस्था में है. गौर करिए, आयांश इज स्लीपिंग, आयांश सो रहा है. आयांश सोने का कार्य कर रहा है. इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी मिलती है. आयांश इज 8 month old, आयांश 8 महीने का है. इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान अवस्था की जानकारी मिलती है. आयांश वाज 8 month old, आयांश 8 महीने का था. इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि बीते हुए समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है. आयांश विल बी 8 month old, इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि आने वाले समय की अवस्था की जानकारी मिलती है. जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा है, ऐसे वाक्य टेंस काल में आते हैं. जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य न कर रहा हो, केवल सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताया गया हो, ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य में आते हैं. दोनों तरह के वाक्यों को आप आगे आने वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे. क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, वर्ब आर ऑफ 2 टाइप, मुख्य क्रिया मेन वर्ब. यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है. मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसे नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना आदि. मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सच एज टू डांस, टू सिंग, टू थिंक, टू रीड, टू राइट, टू सी, टू मूव, टू मिस, टू बीट, इत्यादि. जरूरी नहीं कि काम वही हो जो हाथ पैरों से यानी फिजिकल हो. अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं तो भी दिमाग काम कर रहा है, यानी मेंटल वर्क हो रहा है. इसलिए सोचना भी एक कार्य ही है. एक्शन डजंट ओनली मीन द फिजिकल वर्क. व्हेन यू थिंक, योर ब्रेन वर्क, सो टू थिंक इज आल्सो एन एक्शन, हेंस इट इज ए वर्ब. सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब. यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है. सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल इज, यम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, इटीसी. मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती है. कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए. गो मतलब जाना, वेंट, गॉन. सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन. इसी प्रकार से लाइक दैट. कम्स आना, कैम, कम. फाइंड पाना, फाउंड, फाउंड. लिव रहना, लिव्ड, लिव्ड. गेट पाना, गॉट, गॉट, गॉटन. स्टे ठहरना, स्टेड, स्टेड. डांस, डांस्ड, डांस्ड. प्ले खेलना, प्लेड, प्लेड. सीट बैठना, सैट, सैट. टीयर फाड़ना, टोर, टर्न. स्टैंड, स्टूड, स्टूड. स्टार शुरू करना, स्टार्टेड, स्टार्टेड. लाफ हंसना, लाफ्ड, लाफ्ड. फील भरना, फील्ड, फील्ड. स्माइल मुस्कुराना, स्माइल्ड. सेंड भेजना, सेंट, सेंट. राइट लिखना, रोट, रिटेन. प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड. रीड, रीड, रेड. वीप रोना, वेप्ट, वेप्ट. ईट खाना, एट, ईटेन. शॉर्ट चिल्लाना, सूटेड, सूटेड. ड्रिंक पीना, ड्रैंक, ड्रंक. रन दौड़ना, रन, रन. वेयर पहनना, और, ओर्न. गेट अप उठना, गॉट अप, गॉट अप. कॉस्ट मूल्य होना, कॉस्ट, कॉस्ट. थैंक धन्यवाद, थैंक्ड, थैंक्ड. मुंह हिलना, मूड, मूड. साउंड सुनने में लगना, साउंडेड, साउंडेड. सी देखना, सा, सीन. टच देखना, टच्ड, टच्ड. लॉक देखना, लॉक्ड, लव्ड. लर्न सीखना, लर्न्ड, लर्न्ट. वॉच देखना, वॉच्ड, वॉच्ड. कॉक खाना, कुक्ड, कुक्ड. कैच पकड़ना, कॉट, कॉट. टीच पढ़ाना,
टाट टाट हैंग लटकना लटकाना हंग हंग ब्रिंग लाना ब्राउट ब्राउट कम्ब बाल बनाना कम्ब्ड कम्ब्ड टैक लेना टॉक टेकन राइड टू व्हीलर चलाना रोड रीडेन गिव देना गिव गिवेन ड्राइव फोर व्हीलर चलाना ड्रो ड्राइवेन ब्रेक तोड़ना ब्रोक ब्रोकेन ओपन खोलना ओपेंड ओपेंड होल्ड पकड़ना हेल्ड हेल्ड क्लोज बंद करना क्लोज्ड क्लोज्ड सीवर कापना सीवर्ड सीवर्ड स्लीप सोना स्लेप्ट स्लेप्ट बॉदर परेशान करना बॉदर्ड बॉदर्ड सिंग गाना संग सुंग नो जानना न्यू नोन कट काटना कट कट थिंक सोचना थाट थाट पुट रखना पुट पुट स्पीक स्पोक स्पोकन बात करना वाल चलना घूमना वॉक्ड वॉक्ड सिम लगना प्रतीत होना सिम्ड सिम्ड टॉक टॉक्ड टॉक्ड फील महसूस करना फेल्ट फेल्ट से कहना सैड सैड वर्क करना वर्कड वर्कड टेल टोल्ड टोल्ड वांट चाहना वांट वांटेड आस्क पूछना आस्केड आस्क फीड खिलाना फेड फेड कंप्लेंट शिकायत करना कंप्लेंड कंप्लेंड क्रीप रेंगना क्रेप्ट क्रेप्ट सीख ढूंढना शॉर्ट शॉर्ट हुई डीप खोदना डग डग डीप डूबना डिप्ड डिप्ड फ्ली भाग जाना फ्लेड फ्लेड बिट दांत से काटना बाइट विटेन हाइड छिपना हाइड हिडेन बिगेन शुरू करना बिगेन बिगन ड्रीम सपना देखना ड्रीम्ड ड्रैम्ड ड्रीम्ड ड्रैम्ड शो दिखाना सोड सोड हिट मारना हिट हिट बीट पीटना बीट बीटेन मैरी शादी करना मैरिड मैरिड पीप झांकना पीप्ड पीप्ड प्लग हल लगाना प्लग्ड प्लग्ड रेस्ट आराम करना रेस्टेड रेस्टेड राइज उगना रोज रीजन स्पीड थूकना स्पैट स्पैट हर्ट चोट पहुंचाना हर्ट हर्ट थ्रो फेंकना थ्रो थ्रोन फ्लाई उड़ना फ्लो फ्लोन एव्यूज गाली देना एव्यूज एव्यूज एड जोड़ना एडेड एडेड टाई बांधना टाइट टाइट वे बुनना ओ उवन बाथ नहाना बेद्ड बेद्ड बीड बोली लगाना बेड बीडेन रिंग निचोड़ना या मरोड़ना रंग रुंग फाल गिरना फेल फालन बियर जन्म देना बोर बोर्न वेरी इंपॉर्टेंट ले रखना लेड लेड लाई झूठ बोलना लाइड लाइड लाई ले लेटना ले लेन लेसन 11 एडवर्ब क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह उपवाक्य है होते हैं जो क्रिया की या विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण किसी क्रिया को या किसी विशेषण को या किसी दूसरे क्रिया की क्रिया को तराशता है या फिर उसका वर्णन करता है। एडवर्ब आर द वर्ड्स आर अ क्लॉजेस ग्रुप ऑफ वर्ड दैट शो द क्वालिटी ऑफ वेरी वर्ब एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब आर प्रोवाइड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन अदर वर्ड्स एन एडवर्ब पॉलिसेस डिस्क्राइब्स अ वर्ब एंड एडजेक्टिव्स आर अनदर एडवर्ब। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स आइए कुछ उदाहरणों की मदद से समझें। राम रन्स फास्ट राम तेज दौड़ता है। तेज शब्द का प्रयोग करने से दौड़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता चलती है। चूंकि दौड़ना रन एक क्रिया है इसलिए इस क्रिया के बारे में अतिरिक्त सूचना देने वाला यह शब्द तेज एक विशेषण है। When we add the word fast, it modifies describes the verb run. Hence the word fast is an adverb. I study till late. मैं देर तक पढ़ता हूँ। देर तक का प्रयोग करने से पढ़ने के बारे में कुछ अतिरिक्त बात पता चलती है। चूंकि पढ़ना स्टडी एक क्रिया है इसलिए इस क्रिया के बारे में अतिरिक्त सूचना देने वाला एक शब्द समूह देर तक एक विशेषण है। When we add the word till late, it modifies describes the verb study. Hence, till late is an adverb. Hence, is a very good boy. He is a very good boy. वो बहुत अच्छा लड़का है या वह बहुत अच्छा लड़का है
ये कहना कि वो बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ अच्छा होना उसकी ही विशेषता बताता है, क्योंकि वह यानी ही एक सर्वनाम है, इसलिए गुड अच्छा एक विशेषण है। अब जब हम कहते हैं वेरी गुड बहुत अच्छा, तो वेरी कहना गुड की विशेषता बताता है, क्योंकि गुड एक विशेषण है इसलिए वेरी एक क्रिया है। हियर बेइंग गुड इज द क्वालिटी ऑफ ही, सो गुड इज एन एडजेक्टिव बिकॉज ही इज ए प्रोनाउन, बट वेन वी यूज वेरी देन बेसिकली वेरी इज शोइंग इवन द क्वालिटी ऑफ गुड, सिंस गुड इज एन एडजेक्टिव सो वेरी इज एन एडवर्ब बिकॉज इट इज ए पॉलिशिंग एन एडजेक्टिव गुड। राम रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है, फास्ट एक क्रिया विशेषण है क्योंकि यह एक क्रिया रन को तराश रहा यानी उसका गुण बता रहा है, बेरी लगाने से फास्ट को भी तराशा जा रहा है, बेरी भी एक क्रिया विशेषण है। हेयर फास्ट इज एन एडवर्ब बिकॉज इट पॉलिश अ वर्ब रन एंड यूजिंग बेरी पॉलिश फास्ट, सो बेरी इज बेसिकली पॉलिशिंग अनदर एडवर्ब फास्ट, हेंस बेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब। राम रन्स फास्ट व्हिच इज ए गुड फॉर अस, राम तेज दौड़ता है जो हमारे लिए अच्छा है, यहाँ यह एक कहना कि जो हमारे लिए अच्छा है उसके तेज दौड़ने के गुण के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहा है, इसलिए जो हमारे लिए अच्छा है एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। सेइंग दैट व्हिच इज ए गुड फॉर अस इज बेसिकली गिविंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज क्वालिटी आर रनिंग फास्ट, हेंस व्हिच इज गुड फॉर अस इज एन एडवर्ब क्लॉज। प्राय क्रिया विशेषण की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव, पर कुछ क्रिया विशेषणों की डिग्री नहीं होती, जैसे वेरी, क्वाइट आदि। जनरली एन एडवर्ब हैज 3 डिग्री, पॉजिटिव, कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव, बट फ्यू एडवर्ब डोंट हैव डिग्रीज, इज वेरी, क्वाइट, ईटीसी, पॉजिटिव, कंपरेटिव, सुपरलेटिव। फास्ट तेज, फास्टर ज्यादा तेज, फास्टेस्ट सबसे ज्यादा तेज, स्लो हल्का धीरे, स्लोअर ज़्यादा हल्का, स्लोएस्ट सबसे ज़्यादा हल्का, ऑफ्टन अक्सर, मोर ऑफ्टन ज़्यादा अक्सर, मोस्ट ऑफ्टन सबसे ज़्यादा अक्सर, लेट बाद में, देर से, लेटर ज़्यादा देर से, लास्ट सबसे ज़्यादा देर से, इन अंदर, इनर ज़्यादा अंदर, इनर मोस्ट सबसे ज़्यादा अंदर, अप ऊपर, अपर ज़्यादा ऊपर, अपर मोस्ट सबसे ज़्यादा ऊपर, फार दूर, फर्दर ज़्यादा दूर, फार थे सबसे ज़्यादा दूर। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्रिया विशेषणों के कुछ उदाहरण, नीचे सभी उदाहरणों के उस क्रिया को गहरा काला व तिरछा किया गया है जिसकी विशेषता बताने के लिए नीचे दिए गए क्रिया विशेषण प्रयोग किए गए हैं। द वर्ब व्हिच आर बीइंग मॉडिफाइड बाय द यूज ऑफ फॉलोइंग एडवर्ब आर रिटन बोल्ड एंड इटैलिक, एडवर्ब्स बाद में, सून आफ्टरवर्ड तुरंत बाद, आई विल कम आफ्टरवर्ड इफ यू आर बिजी नाउ, मैं बाद में आऊँगा अगर आप अभी व्यस्त हैं, You left at 4 PM and soon afterward we left. आप 4 बजे निकले और उसके तुरंत बाद हम निकले। Again, दोबारा, once again, एक बार फिर, again and again, बार बार। The girl will go again. वो लड़की दोबारा जाएगी। I will think once again. मैं एक बार फिर सोचूंगा। You are doing the same mistake again and again. तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो। एगो पहले। They left 1 hour ago. वे 1 घंटे पहले निकले। He had come here about 2 years ago. वो यहाँ लगभग 2 साल पहले आया था। Already पहले से। I have already told you about this. मैं तुम्हें पहले से इस बारे में बता चुका हूँ। I have already listened to this song. मैं पहले से ही ये गाना सुन चुका हूँ। Away, दूर। You can't go away from me. तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। Stay away from that girl. उस लड़की से दूर रहो। Fairly, जल्दी। I get up early in the morning. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। He reached office pretty earlier. वो ऑफिस बहुत जल्दी पहुँचा। Else, कुछ, कहीं, कोई और। He went somewhere else. He went elsewhere. वहाँ कहीं और गया। I don't want anything else. I want nothing else. मैं कुछ और नहीं चाहता। I am wearing someone else's shirt. मैंने किसी और की शर्ट पहनी। Enough, काफी। They are preparing enough for the exam, वो परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। He said enough to me, उसने मुझे काफ़ी कुछ कहा। Ever, कभी। Did you ever think about this, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है। Do you ever go there, क्या तुम कभी वहाँ जाते हो। This is the best book that I have ever read, ये सबसे अच्छी किताब है जो मैंने कभी पढ़ी है। Far, दूर, बहुत।
ही इज फार मोर एक्सपीरियंस देन यू, उसे तुमसे कहीं बहुत ज़्यादा अनुभव है। ही स्विम्स फार बेटर देन यू, वो तुमसे बहुत अच्छा तैरता है। ही लिव्स फार अवे, वो बहुत दूर रहता है। हाउ फार कैन यू सी, तुम कितनी दूर तक देख सकते हो। हार्डली रेयरली सेल्डम, मुश्किल से ही शायद ही कभी शायद ही कुछ। ही हार्डली रेयरली सेल्डम कम्स हियर, वो मुश्किल से ही कभी यहाँ आता है। आई कुड हार्डली हेयर यू, मैं मुश्किल से ही तुम्हारी बात सुन सका। आई हार्डली एट एनी थिंग स्टडी, मैं कल शायद ही कुछ खाया। वी सेल्डम मीट इच अदर दीज डेज, हम इन दिनों मुश्किल से कभी एक दूसरे से मिलते हैं। जस्ट बस अभी, आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस अभी आ रहा हूँ। द बस हैज जस्ट लेफ्ट, बस अभी अभी निकली। ही हैज लेफ्ट जस्ट नाउ, वो बस अभी निकला। हाउ डिड ही जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने ये प्रश्न बस अभी कैसे कर दिया। नेवर कभी नहीं। आई नेवर सैड एनी थिंग टू यू, मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। आई नेवर थॉट टू हर्ट यू, मैंने तुम्हें दुख पहुँचाने की कभी नहीं सोची। शी नेवर केयर फॉर मी, वो मेरी चिंता कभी नहीं करती। ऑफ्टन, प्रेटी ऑफ्टन, क्वाइट ऑफ्टन, वेरी ऑफ्टन, अक्सर, हाउ ऑफ्टन, अच्छी, कितनी बार। आई विजिट हिज होम प्रेटी ऑफ्टन, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। ना हाउ ऑफ्टन डू यू गो ऑफिस, आप अक्सर कितनी बार ऑफिस जाते हैं। वंस, एक बार, एट वंस, एक साथ, वंस अगेन, एक बार फिर, वंस मोर, एक बार और। आई हैड गॉन देयर वंस, मैं एक बार वहाँ गया था। दे ऑल शूटेड एट वंस, वे सारे एक साथ चिल्लाए। आई थॉट वंस अगेन, मैंने एक बार फिर सोचा। यू मस्ट रीड दिस बुक वंस मोर, तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़नी चाहिए। वनली, केवल, इकलौता। ही इज ओनली गोइंग देयर, वह केवल वहाँ जा रहा है। दे वेयर ओनली ड्रिंकिंग द वाटर, वे केवल पानी पी रहे हैं। अमन ओनली एट फाइव ग्रेप्स, अमन ने केवल 5 अंगूर खाए। क्वाइट, बहुत काफ़ी। शी वॉज क्वाइट अ डेयरिंग गर्ल, वो काफ़ी हिम्मत वाली लड़की है। डैड इज डूइंग इज क्वाइट इजली, पापा इसे बहुत आराम से कर रहे हैं। द डैट वॉज क्वाइट अ टचिंग मोमेंट, वो बहुत ही दिन छूने वाला फल था। सो बहुत ऐसा, वाई आर यू सेइंग सो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। टुगेदर, साथ में। दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, वो हमेशा साथ काम करते हैं। वी गो टू क्लास टुगेदर, हम क्लास साथ में जाते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करना संभव नहीं है। वेरी, बहुत। इट इज रन, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। आई रीच टू वेरी अर्ली टूडे, आज मैं बहुत जल्दी पहुंचा। एक बात ध्यान रखें कि अधिकतर जिन शब्दों में ly का प्रयोग होता है वे क्रिया विशेषण होते हैं। Kindly note that mostly the word ending with ly are adverb, example, quietly, nicely, firstly, clearly, sincerely, etc. एक बात और ध्यान दीजिए, जितने भी शब्द ऊपर उदाहरण दिए गए हैं जैसे क्विक, नाइस, फर्स्ट, क्लियर, सिंस आदि, ये सभी एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए लगाए जाते हैं, पर यही शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाने हों तो इनके अंत में ly लगाते ही ये सब एडवर्ब बन जाते हैं। राम इज नाइस, राम अच्छा है। राम एक नाउन इसलिए अच्छा, नाइस एक एडजेक्टिव है। ही डांस नाइसली, वो अच्छी तरह से नाचा। नाचना एक वर्ब है इसलिए अच्छी तरह नाइसली एक एडवर्ब है। ऊपर दिए गए वाक्यों में अच्छा होना नाइस किसी विशेषता है राम की और अच्छी तरह नाइसली किसी विशेषता की नाचने की है। इस प्रकार से हम जो है इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आगे जो है बात करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ एनी प्रॉब्लम यू हैव देन कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।